अहमद A1 फर्नीचर, जहां पर आपकी लाड़ी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आइटम्स, शादी ब्याह के लिए मजबूत पायदार फर्नीचर सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल सेट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के अलावा तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आइटम आपका वेलकम करते हैं। अहमद A1 फर्नीचर और अहमद इलेक्ट्रॉनिक्स, अपोजिट शादान होटल, बल्लागुड़ा रोड, हाशिमाबाद, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल हकीम, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। पुराने शहर में हुकूमत की जानिब से फ्लाईओवर ब्रिज के कामों का आगाज तो हो रहा है, लेकिन काम स्टार्ट होने के बाद इसे लापरवाही से छोड़ दिया जाता है, जिससे अवाम को तकलीफ का सामना करना पड़ता है और यहाँ के रहने वालों को धूल मिट्टी से दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। ये ताड़बंद से आरामघर जाने वाली मसरूफ सड़क पर जहाँ फ्लाईओवर के लिए पिलर्स डाले जा रहे हैं और इस काम को रोक दिया गया, इसकी वजह से आने जाने वाली ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नाज़रीन, ये बहादुरपुरा से हसन नगर जाने वाली रोड है, जहाँ पर ब्रिज का काम स्टार्ट किया गया था, लेकिन किसी वजह से जो है यहाँ पर ब्रिज का काम रुके हुआ है, जिसके बाद यहाँ पर जो है पूरा ट्रांसपोर्ट के गाड़ियों की पार्किंग बन चुकी है। ये आप देख सकते हैं, ब्रिज बनने से पहले ही जो है ये ब्रिज की जो सलाखें होती है वो जंग में जो है कमज़ोर होती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद ये ब्रिज का काम जो है अभी रुका हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्किंग बनाई जा रही है, पूरे गाड़ियों की पार्किंग है यहाँ पर। यहाँ पर शाम में 8 बजे से 7 बजे से, जैसा यहाँ पर शादी खाने हैं बड़े बड़े, शाम में 7 बजे से जो ट्रैफिक जाम होती है, तो रात में 11-12 बजे तक यहाँ पर जो है ट्रैफिक जाम का मंजर लगे हुआ रहता है। तो GHMC को चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि जल्द से जल्द इस ब्रिज का काम आगे बढ़ाते हुए आवाम को सहूलत दें। ये देखिए आप, यहाँ पर जो ब्रिज का पिलर बनाया गया है, ये सलाखें जो है जंग में जंग से मुतासिर हो चुकी है। यहाँ पर जो है लंबी कतार में ट्रैवल्स के गाड़ियों की, जो ट्रांसपोर्ट के गाड़ियों की पार्किंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ट्रांसपोर्ट के गाड़ियों की यहाँ पर पार्किंग बना दी गई है। एक पिलर ये कंप्लीट हुआ है, पिलर नंबर 98। 10 तारीख पहला महीना 2022, 10 जनवरी को ये पिलर कंप्लीट हुआ, उसके बाद से जो है काम रुक गया है। यहाँ पर पार्किंग बनी हुई है, गाड़ियों की सर्विस की दुकान बनी हुई है। ये देखिए नाज़रीन, ये भी जो है इनकम्प्लीट पिलर है, जो खाली बेसमेंट से उठाकर छोड़ दिया गया, और इसकी सलाखें आप देख सकते हैं पूरा जंग से मुतासिर हो चुकी है। अब ऐसे पिलर का जो है फ्यूचर में क्या भरोसा किया जा सकता। ये देखिए नाज़रीन, जाने वाली रोड पर यहाँ पर जो है पिलर मौजूद नहीं है, इसके बावजूद यहाँ पर जो है गाड़ियाँ लगाते हुए यहाँ पर सड़क को जाम किया जा रहा है। और ट्रैफिक पुलिस को चाहिए, GHMC को चाहिए कि काम कंप्लीट करें जल्द से जल्द,
और ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि ये इलीगल पार्किंग पर रोक लगाएं ताकि आवाम को ट्रैफिक से राहत मिल सके। यहाँ से जो है पिलर का काम कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर पार्किंग जो है गाड़ियों की जा रही है। ये रोड छोटी है, ये सड़क छोटी होने से आने वाली पब्लिक को भी प्रॉब्लम है, जाने वाली पब्लिक को। एक तो वहाँ पर फुटपाथ इतना बड़ा करके जो है वहाँ पर पार्किंग की जा रही है, और एक जो है यहाँ पर डिवाइडर के बाजू गाड़ियाँ लगा के जो है पार्किंग की जा रही है, जिससे रात के टाइम पे शाम के टाइम पे ट्रैफिक के बहुत मसाइल पैदा होते हैं। ये बहादुरपुरा से आरामगढ़ जाने वाली मेन रोड है, जो ब्रिज का काम करने के लिए पिलर का जो है खुदाई का काम हुआ था। पिलर रेस तो हुए लेकिन सिर्फ बेसमेंट से यहाँ तक लाकर छोड़ दिया गया कि सलाखें जो है जंग से मुतासिर हो चुकी हैं और यहाँ पर पार्किंग बन चुकी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।